हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम खेलेंगे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया BGMI। तो यहाँ आज हम उतरेंगे पोचंकी। आपको पता है पोचंकी में काफ़ी एनिमीज आते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर किल भी अच्छे मिलेंगे। तो हम यहाँ लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद हम एक सामने वाले घर में घुसते हैं। कोशिश करेंगे हमें पहले गन में अच्छी मिल जाए ताकि हम अच्छे यहाँ बंदे को ख़त्म करें। तो हमें एक सामने वाले घर में एक बंदा स्पॉट होता है, तो वो बंदा स्पॉट होने के बाद हम यहाँ उस घर में मार्क लगाते हैं ताकि हमारे टीममेट उस बंदे को ख़त्म करने के लिए हमारी हेल्प करे। लेकिन कोई टीममेट हमारा यहाँ साथ नहीं देता है, तो इस वजह से हम अकेले ही रस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एक बंदा हमें स्पॉट होता है, तो एक बंदा तो हमने ख़त्म करा, दूसरा किसी का नोक हो गया वो हमने ख़त्म करा। किल चलाने की कोशिश थी लेकिन किल हमें उसका मिला नहीं। उसके बाद मुझे ऊपर एक बंदा स्पॉट होता है, मैंने उसे डराने के लिए स्मोक ग्रेनेड खींचा ताकि वो आ जाए। मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ताकि कोई टीममेट मेरा साथ आए, क्योंकि आपको पता है स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड है, तो वे भी चार जने हो सकते थे। लेकिन फिर मैंने अकेले ही रश करने की ठानी और मैंने उस पर रश करा। तो अलग ही स्वैग था, अलग ही खड़ा था, इस वजह से एक मारा गया और ये नॉक करने दिया मैंने। और अब मैं इसे फिनिश भी कर दूँगा और यहाँ मुझे इस हिसाब से सेकंड किल मेरा मिल गया। और अब मैं बंदे ख़त्म करूँगा। तो मैं इस घर से नीचे कूदता हूँ ताकि कोई अच्छे से और बंदे मिले। यहाँ मेरे टीममेट ने मार्क लगाया, मुझे बोट स्पॉटेड होता है। मैंने बोट ख़त्म करके दिया और अपने तीन किल पूरे करे। मैं सड़क पार करके सामने वाले घर में जाता हूँ, तो वहाँ भी कोई बंदे नहीं दिखाई दिए मुझे। एक मुझे बोट यहाँ पर एक बोट दिखाई दिया, बोट को मैंने डैमेज दिया लेकिन वह नॉक नहीं हुआ। इस बार के स्प्रे में उसको मैंने डैमेज करके ख़त्म करा। मैंने यहाँ बंदे को पूरा ख़त्म करके अपने चार किल पूरे करे। तो अब हम मैं निकलता हूँ एक कोई गाड़ी की तलाश में। यहाँ तो पोचन की मैं सारे बंदे ख़त्म हो चुके थे, तो मैं गाड़ी लेकर अपने टीममेट्स को पास गया। तो हम टीममेट्स एनिमी की तलाश में निकल पड़ते हैं, एनिमी और चिकन डिनर की तलाश में। तो यहाँ पर हमें एक ड्रॉप दिखाई देता है, ड्रॉप को लूटने के लिए हम यहाँ गाड़ी रोकते हैं। ड्रॉप ये रिवर के अंदर आ रहा था, तो ड्रॉप हम लूटने की कोशिश करेंगे। ड्रॉप पानी के अंदर था, वजह से मैं सबसे पहले लूटने गया। तो ड्रॉप में एक टीममेट भी मेरा आ रहा था ड्रॉप को लूटने के लिए। ड्रॉप के अंदर MK14 थी, जो मैंने ली नहीं, इतनी मेरी पसंदीदा गन नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से लूट कर गाड़ी लेकर निकलते हैं। टीममेट मेरा कार चलाता है और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं बंद और एनिमी की तलाश में। तो आओ चलते हैं। यहाँ फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और अपने टीममेट्स को बिठाकर हम एनिमी को मारने चले गए। एक टीममेट बैठ कर मेरे, अब हम निकलते हैं और एनिमीज को ख़त्म करने। तो हम जा रहे थे अपनी गाड़ी में, तो यहाँ हमें टीममेट किसी को फायर दे रहा था, पता नहीं किसको फायर दे रहा था। यहाँ एक हमें बोट दिखाई दिया, किल करके मार दिया और मेरे पांच किल पूरे हुए। मुझे यहाँ एक बंदों के फुटप्रिंट आ रहे थे, तो इस वजह से मैं उसको मारने चल दिया। बंदा ये रहा सामने, एक कार जा रही थी। यहाँ मैंने ड्रॉप लूटने, तो आइए इसे ख़त्म करते हैं। Enemies ahead. मैं और मेरे टीममेट्स इस बंदे को ख़त्म करने के लिए तो उस बोट भी कर दिया। उसके बाद मेरा टीममेट और मैं इसकी पेटी लूटने चलते हैं। टीममेट तो मेरा अलग गया था और मैं इसके लेता हूँ, मैं यहाँ से कार 98 ले लेता हूँ ताकि मैं दूर से स्नाइपिंग कर सकता हूँ। ATAX भी था, तो मैंने अपना ATAX लगा कर स्नाइपिंग करी। यहाँ एक बंदा स्पॉट हुआ,
मेरा टीममेट और मैं जा रहे थे, ये रहा एक बॉल, ये लगा उसके शॉट और ये रहा नॉक और फिनिश एक साथ। उसके बाद मैं और बंदे को मारने के लिए आगे चल दिया, तो मुझे इस पत्थर के पीछे एक बंदा स्पॉट हुआ, तो मैंने यहाँ मार्क लगाया और मैंने उसका हेड शॉट लेने के लिए मैं हमने पीक ली और ये फायर कर रहा था और ये हेड शॉट लगा पट से हेड शॉट और मेरे 8 किल पूरे हुए। उसके साथ देखो भाई क्या मैंने हेड शॉट मारा, बिल्कुल ओपी हेड शॉट था, हेड शॉट ने एकदम मर दिया। उसके बाद मैं अपने वापस लोकेशन में आता हूँ M416 लेकर। उसके साथ मेरे टीममेट अपने पता नहीं कहाँ कार चला रहे थे, ये तो मुझे भी नहीं पता, अपने घूमते फिरते थे गाड़ी ले गए, इन्हें कोई नहीं है मतलब, पेट्रोल सस्ता है महंगा है पर अपना चलाने से अच्छा मतलब आ रहा है इनका। पर मैंने सिर्फ यहाँ पर 9 किल फिनिश एक साथ किया और 9 किल पूरे हुए और बंदा मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे एक बंदा और स्पॉट हुआ। स्पॉट होने के बाद मैंने मार्क लगाता हूँ ताकि कोई मेरा टीममेट साथ दे, ये मेरे पे स्नाइपिंग करने के लिए पीक ले रहा था, तो देखते हैं किसकी स्नाइपिंग पहले होती है। तो आओ देखिए, स्नाइपिंग के लिए फायर कर रहा था और मैं भी यहाँ पूरा तैयार था, बस एक बार में पीक दे और उसका हेड शॉट मारूँ। मेरे उसने मेरे टीममेट को नॉक करा और मैं इसी हिसाब से मैं और उसके पास चलता गया, उसका ध्यान मेरे टीममेट्स पे था, उसने मेरे टीममेट्स को नॉक करने के बाद फिनिश भी कर दिया। और मैंने यहाँ एक नेड लिया, नेड जैसे मैंने कुक करा उसे थोड़ी लोकेशन का पता चल गया मेरी और वो उसने अपनी लोकेशन वहाँ से चेंज कर दी, चेंज होने स्प्रे देकर ख़त्म करा। मेरा टीममेट मेरे साथ था सपोर्ट के लिए और मेरे 9-10 किल पूरे हुए। इसके बाद देख अब निकलता हूँ लास्ट बंदे की तलाश में, इसने लास्ट वाले एनिमीज ने मेरे बंदे को नॉक करया, इस तरीके से मुझे उसकी लोकेशन का भी पता चल गया कहाँ है यह है। इसने नॉक करने के बाद मेरे एक और टीममेट को भी नॉक कर दिया, इस हिसाब से मेरे दो टीममेट नॉक हो गए थे और मैं अकेला उसे सर्वाइव करता। मैंने यहाँ इसके हेडशॉट मारा लेकिन पता नहीं कैसे यह नॉक नहीं हुआ और मैंने इसमें मॉक कर दिया अपने टीममेट्स को बचाने के लिए और उसने अपनी थोड़ी लोकेशन चेंज कर दी। मैं यहाँ उस पर स्नाइपिंग के लिए पूरा तैयार था कि बस वो एक बार पीक दे वे तो उसे खत्म। उसने ड्रॉप से वो ढका हुआ था तो ड्रॉप उसे बचा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने टीममेट्स को इसी बहाने रिवाइव भी कर दो जल्दी से। मैंने स्मोक कर दिया ताकि मेरे टीममेट स्मोक के अंदर दुब के रहें और मैंने पहले मैं अपने इस टीममेट को रिवाइव करता हूँ। रिवाइव करने के बाद मेरा दूसरा टीममेट भी यहाँ आ गया ताकि वो भी रिवाइव ले सके, वह भी और एनी भी इतने अपनी हील पूरी कर रहा था, उसका ध्यान भी हमारे पर नहीं था। स्मोक का यही फ़ायदा है कि आप इसके अंदर हील विल सब कुछ कर सकते हैं, आपको एनिमी को आपको कोई लोकेशन नहीं होएगी। मुझे जैसे ही बंदे की लोकेशन का पता चला तो मैंने बंदे पर एम लिया 98 से एपेक्स लगा कर, तो उसके एक शॉट लगा लेकिन उसके डैमेज हुआ लेकिन वह नॉक नहीं हुआ। फिर उसके बाद बंदा जैसे भगा तो मैंने उस पर पूरा एम टाइप कर रखा था, उस पर मिस हो गया। इस बार बंदा पेड़ के पीछे था पर मैंने वार पर कोई गलती नहीं करी और मुझे चिकन डिनर मिल गया।